मुनावर, अभिषेक एंड एल्विश, मेरा सवाल आपसे, आपके सभी जो फैंस है, बहुत यंगस्टर्स फैन है मैंने देखा है, आप चाहे आप हरियाणा की अगर हम बात करें, फेस्ट में काफ़ी फैंस आपके आए थे वहाँ पर, मुनावर की तो जानते ही और अभिषेक की तो ऑनलाइन हमने देखा ही है। मेरा सवाल, क्योंकि आपके जो फैंस है काफ़ी यंगस्टर्स हैं, रिसेंटली गवर्नमेंट नीट एग्ज़ाम काफ़ी हुआ है, लीक हुआ है, पेपर लीक, नीट एग्ज़ाम, डॉक्टर्स के एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए, उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि ये FIR रजिस्टर हुई है बिहार में, गुनहगार पकड़े गए हैं जो क्रिमिनल्स हैं, पेपर लीक हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट सुनने को तैयार नहीं है, आपका क्या है इसके ऊपर टेक? दिस इज नॉट रिलेटेड टू ECL, आई वुड रिक्वेस्ट, नो बट देन आई ऑलरेडी, एल्विश एल्विश प्लीज, नो नो, बिकॉज़ दिस इज मुनावर, आप नो यंगस्टर्स के बारे में, ओके ओके, डेफिनेटली मैंने इस बारे में लिखा मैम, इट्स ओके, आप पूछ लिया तो ठीक, मैंने डेफिनेटली इसके बारे में फर्स्ट डे, सेकंड डे जब हमारे इलेक्शन के रिजल्ट्स थे उसके सेम डे पे वो भी रिजल्ट्स आए थे, एंड सेकंड डे जब मैंने पढ़ा, मैंने और चेक किया क्या प्रॉब्लम है और किस तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स का सेम मार्क्स आए हैं सेम सेंटर से, देन आई रियलाइज कि ओके कुछ तो लफड़ा है वहाँ पर और इन्वेस्टिगेशन जो भी है वो प्रॉपर वे में होनी चाहिए, ये स्टूडेंट्स की भी मांग है और हर इंसान की होनी चाहिए, बिकॉज जब पढ़ाई कराने में माँ बाप को कितना मेहनत लगता है, पैसा लगता है, वो हम सब जानते हैं और सेम टाइम स्टूडेंट्स लोग की मेहनत कितनी होती है वो भी जानते हैं, सो आई एम होपिंग कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे जल्द से जल्द काम करे, एंड जब तक मैं जहाँ तक मैंने पढ़ा है द वर्क इज़ गोइंग ऑन। एल्विश आप कुछ कहना चाहेंगे? आप तो वीडियोज़ बनाते हैं, वायरल होते हैं काफ़ी, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट नॉट रेडी टू लिसन, मतलब फार्मर्स भी प्रोटेस्ट करते हैं तो सुनते ही नहीं है गवर्नमेंट, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने बोला ना मैं वीडियो बनाता हूं, मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, उसको देखना। गाइस, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज आस्क द क्वेश्चन। अभिषेक आप कुछ कहना चाहेंगे? आई फील अभी इसका एक्चुअली मैं काफी ज्यादा फॉलो कर रहा था इस चीज को, एंड हमने काफी ज्यादा पोस्ट भी करे थे इसके रिलेटेड कि नीट एग्जाम, मतलब दिस इज आई थिंक सबसे बड़ा सिन आई फील कि एग्ज़ाम का पेपर लीक होना, बिकॉज मतलब देर लॉट ऑफ पीपल जिनको मैंने जिनकी मैंने केस स्टडीज़ भी पढ़ी जो चौथी पांचवी बार भी पेपर दे रहे थे, एंड जब वो उनको पता चलता है कि यार मैं इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ और मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा, और किसी के पास एक दिन पहले या दो दिन पहले पेपर आ रहा है या फिर कोई एग्जामिनेशन सेंटर में बैठा हुआ है और उसको पेपर के आंसर्स बताया जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ही पेड फॉर इट, सो ऑब्वियसली आई फील कि दैट्स टू बैड फॉर आवर कंट्री, क्योंकि आगे जाके अगर आप देखो इस चीज़ को तो मतलब आपको जब अगर आप कभी डॉक्टर के पास जाते हो और आपको पता चलता है कि भाई ये तो पेपर लीक से आया हुआ है तो मतलब तुम कोई उससे ट्रीटमेंट नहीं कराएगा भाई, तो ये हमारे देश के लिए मतलब बहुत गलत चीज़ है जो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर लीक है, एंड जितनी जल्दी इस पर एक्शन लिया जाए वो बेटर है। अभी रिसेंटली जिनको ग्रेस मार्क्स दिए थे उनका नीट का भी डेट आ चुका है, एंड बट आई स्टिल फील कि दिस इज़ समथिंग विच हैज़ टू बी अवॉइडेड, और इसके लिए स्ट्रिक्ट जितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स और एक्शंस लिए जा सकते हैं वो लिए जाने चाहिए, क्योंकि मतलब दिस इज़ डेफिनेटली नॉट राइट, दैट्स व्हाट आई फील।